वही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां दबंगों के आतंक से तंग आकर ब्राह्मण समाज के कई परिवारों ने अपने मकानों पर "यह मकान बिकाऊ है" लिखकर पोस्टर चिपका दिया है, जिसके बाद पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पोस्टर वायरल होते ही हरकत में प्रशासन आया और लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टर की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कह ग्रामीणों को मानने में जुट गया है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। तारीख को अपने घर से ड्यूटी जा रहे थे, यहाँ से प्राथमिक विद्यालय करीब 500-600 मीटर है, वहाँ गोलबंद होकर के अनुसूचित लोग हमको एकाएक न कुछ पूछे न कुछ कहे, एकाएक डंडा से और मुक्का तमाचा से मारना चालू किए। हम अकेले थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, 8 बजे के समय था, और हम पूछते रहे भाई क्या है क्या है, कुछ बताना तो बताए कुछ ही नहीं, तत्काल मारना चालू कर दी। इसमें मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और अभद्र गालियां देने लगे। पलायन यह करने का रीजन है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लोग रीजन यह है कि एक विशेष वर्ग गांव के किसी भी लोग को पकड़ के मार देना, किसी भी लोग को गाली दे देना, किसी भी तरीके के अभद्रता बोल देना, एकदम कि भाई हम मारेंगे, हम जहां पाएंगे वहां मारेंगे, उनका उस किस विशेष जाति वर्ग से उनको नफरत है। हम लोगों का राहजनी हो रहा है, रास्ता घोर फिर के रुक के मारा जा रहा है। कहा जाता है कि दलित उत्पीड़न का मुकदमा कर देंगे। एक जो है चराते हैं सम्मत, हम लोगों का जो धार्मिक होलिका दहन का है वो उसका जो है 3-4 बार वो लोग उखाड़ के फेंक दिए। छठ माता का वो जो है उसको तोड़ दिए। हमारे भाई हैं जो सफाई कर्मी कर्मचारी में काम करते हैं, 25 तारीख को 8 बजे सुबह जा रहे थे, कोई किसी तरह का कोई झगड़ा द्वेष हम लोगों को नहीं उन लोगों से रहता है, फिर भी अचानक उनको घेर कर मारना पीटना, कहते हैं कि आप लोग चले जाइए, आर्यावर्त के रहने वाले हैं यहाँ भारत में, आप लोगों का रहना, आप पता ना आर्यावर्त कहाँ है। ये ग्राम करजहाँ थाना पटेरवा में इस तरह की शिकायत सवेरे मिली थी कि कई घरों पे तरह के चस्पा किए गए थे कि उनको रहने में दिक्कत हो रही है। उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा और सीओ साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रकरण की जानकारी ली गई। प्रकरण में जो मारपीट की घटना हुई थी उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में बात पंजीकृत किए गए हैं और 151 शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में भी कार्रवाई की गई है और उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शांति व्यवस्था गांव में दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त रहने का पूरा हमारा प्रशासन पुलिस का प्रयास है।